तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई, राइट सर? और मनोज जुनैद जी हमारे साथ हैं। पावर बीआई, सबसे पहले मनोज जी मुझे आप भी बताइए, आप पावर बीआई सीखने का आपका पर्पस क्या है, क्यों सीख रहे हैं पावर बीआई? दो तीन कारण है। एक तो ऑफिस में शुरू होने वाला है, हो सकता है दूसरी टीम में है तो अगर मैं कुछ कर लूंगा तो मैं उस टीम में जा सकता हूँ। ठीक है, सेकंड, पावर बीआई की मार्केट है। ओके। तो सबसे पहले बात समझिए कि आखिर पावर बीआई है क्या और पावर बीआई का क्या यूज है, समझ गए? हाँ जी और पावर बीआई के स्ट्रक्चर क्या है, मैं एक बार पावर बीआई को ओपन करता हूं। तो बेसिकली जो पावर बीआई हमारा है वो पावर बीआई, इसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि रिपोर्ट के लिए बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वर्क करता है। इसका काम है कि डैशबोर्ड्स और आपकी रिपोर्ट्स वगैरह को इजीली और सबसे जल्दी तैयार करना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने अगर मैं एक, आप लोग जैसे डैशबोर्ड वगैरह देखते होंगे, हाँ जी यहाँ पे एक मिनट मैं इमेज पे आता हूँ, ये आपके सामने डैशबोर्ड्स दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना? राइट अब इस तरह के डैशबोर्ड को एक्सेल पे बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल है। राइट हम ऐसा नहीं कि हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट और बहुत जरूरी नॉलेज की जरूरत है, तब जाके इस तरह के चार्ट और इस तरह की विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। राइट तो पावर बीआई या टैबलो, दोनों में सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ आपको। दोनों का काम है क्विकली पावरफुल एंड गुड अंडरस्टैंडिंग विजुलाइजेशन को तैयार करना, समझ गए? राइट राइट अब आपके सामने हम आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये साइनिंग क्यों हो गया, मैं एक मिनट इसको साइन करता हूं। हो गया। यस यहां से मैंने यहां से एक माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा लेता हूं, एक छोटा सा रिपोर्ट। अब देखिए मैं कितना जल्दी, अभी टाइम हो रहा है 9:31, एक डैशबोर्ड मैं कितनी जल्दी बना रहा हूं, देख लीजिए। और मैंने यहां से डेटा को कनेक्ट किया, लोड। जो टाइम लग रहा है डेटा कनेक्ट होने में लग रहा है सर, यस ओके। डेटा कनेक्ट हो गया, डेटा फील्ड हमें यहां पे आ गया। अब मैं एक क्विकली रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, इसमें हम देते हैं मान लीजिए अमाउंट का टोटल, उसके बाद फिर मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और एक और चार्ट लेता हूं और इसमें मैं देता हूं क्वांटिटी। ये आपका सेल्स और क्वांटिटी यहाँ पे दोनों आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चार्ट लगाता हूँ, कॉलम चार्ट, और इसमें मैं देता हूँ नेम वाइज क्वांटिटी, फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ सेल्स मोड बाई क्वांटिटी, और इसको हम
उसके बाद हम एक और देते हैं, स्टेट वाइज, सॉरी ये कंपोजर, हाँ स्टेट वाइज, और हमने यहाँ पे अमाउंट दे दी। तो ये आपके स्टेट के हिसाब से सेल्स आ गए। उसके बाद मैं यहाँ से ट्री मैप चार्ट लेता हूँ, ट्री मैप चार्ट में मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट, और इसकी क्वांटिटी और इस चार्ट का हेडिंग जो है मैं सिटी सिटी और यहाँ पे अब मेरा रिपोर्ट बन के तैयारी है, बस मुझे यहाँ पे अपना टाइटल लेना है। और भी कुछ लिखना है तो लिख के आप अपने इसको जगह पे फिट कर दें। ये रिपोर्ट आपका बन के तैयार है। अब इस रिपोर्ट को आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे इसको इसको मतलब शेयर करना चाहते हैं, तो अब इसको आप पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश हमने यहाँ पे सेव करके पब्लिश कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे 9:30 पावर बीआई में हमारा सेव हो गया। अब मैं इसको पब्लिश, हमारा ये जो वेबसाइट के ऊपर, मेरे वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुका है मेरे पावर बीआई, जो मेरा आईडी है उसके ऊपर मेरा ये पब्लिश हो चुका है, सक्सेस हो गया। तो इसको राइट, तो इसको मैं भी चेक कर सकता हूँ। अच्छा इसके लिए मुझे आपको शेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं मुझे मेरे पास भी पावर बी आई हाँ हो या ना हो तो भी मैं चेक कर सकता हाँ हूँ अगर आप उसके मुझे शेयर लिए, करेंगे उसके तो। लिए आप हाँ उसके लिए आपको यहाँ पावर बी आई की, पावर बी आई की साइट पे दर्ज जाना पड़ेगा, पावर बी आई माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, और यहाँ से मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा, तो मेरा वर्क स्पेस मिल जाएगा। आगे मेरा वर्क स्पेस, अब मेरी रिपोर्ट जो है यहाँ पे डिसमिस, ये देखिए हमारे पास माय रिपोर्ट, माय वर्क स्पेस में रिपोर्ट है मेरा, 9:30 दिख रहा है आपको, राइट ये रिपोर्ट यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब इसको मुझे आपको शेयर करना है, तो क्या करना होगा, मुझे आपको यहाँ से इस रिपोर्ट को शेयर करना होगा, यहाँ दिख रहा हाँ होगा, जी मुझे आपको यहाँ शेयर पे जाके शेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि शेयर करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। ओके डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होगा, पावर बी आई डेस्कटॉप में या डेस्कटॉप में या रिपोर्ट बिल्डर में या पावर बी आई मोबाइल में, या फिर आप एनालाइज इन द एक्सेल अपडेट में करना चाहते हैं। सर, ये जो आपका यहाँ पे डिटेल आ रही है कि पिक वगैरह आ रही है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए क्योंकि पीछे से आप जो सिलेक्ट करते हैं मुझे दिखाई नहीं देता बटन। आप भी मिलकर जी कर सकते थे, ठीक है। तो हाँ जी ये आपका रिपोर्ट है कि आप यहाँ तो ध्यान रखिएगा कि पावर बीआई की रिपोर्ट पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे ही शेयर किया जा सकता है, या फिर पावर बीआई ओके रिपोर्ट फाइल में ही इसको शेयर किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि मैं पावर बीआई को एक्सेल में डाउनलोड कर लूँ तो जी नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो फीचर्स है एक्सेल में अवेलेबल नहीं है,
सब चीज हो जाता तो फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर भी क्यों लॉन्च करता। बात समझ रहे हैं ना। राइट राइट तो पावर पीआई की बेनिफिट समझ में आ गया। अब ऐसे एक और बेनिफिट हो गया कि मुझे इस सब मैंने रिपोर्ट बना के 100-200 लोगों को मेल नहीं करनी है, हमने इस रिपोर्ट को अपने पोर्टल पर पब्लिश कर दिया और जो जो इस पोर्टल के साथ उनको मैं लिंक कर रखा है, जिसको जिनको मैं शेयर कर रखा है, वो सारे इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपने कहा लाइसेंस होना चाहिए, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो दूसरा रास्ता कोई और है इसको देखने के लिए? देखिए, एक हमने इसको पब्लिश टू वेब कर दिया, नहीं हाँ जी लाइसेंस की जरूरत नहीं है सर, आप नहीं समझे। ओके लाइसेंस हाँ, बस फ्री में फिर ये फ्री आपका वाला वर्जन डेस्कटॉप, डाउनलोड कर। हाँ, या फिर मैंने पब्लिश टू वेब कर दिया, देखिए रिपोर्ट मेरा आपको, हाँ जी इस रिपोर्ट को कोई भी पर्सन देख सकता है। मैं लिंक जिसको दूंगा, जैसे मैंने लिंक आपको अच्छा, अभी आप इस पे है चैट पे कब लिंक भेजता हूँ आप देख लीजिए, ओके मैंने चैट पे आपको यहाँ से लिंक भेज दिया, क्लिक करके खोलिए आपका दिख जाएगा रिपोर्ट, आपको भी दिख जाएगा लाइव है, मैं जो भी चेंजिंग करूंगा आपको वहां पे भी चेंज हो जाएगा। एक और खासियत है कि रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए ना कि चार्ट बाय नेम नेम था ना, मुझे नेम को हटा, नेम में पे काम और कर दिया कि इस चार्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इस चार्ट को कर देता हूँ, मान लीजिए ये चार्ट है, इस पे मैं जो है या फिर एक और यहाँ पे मैं से मैं प्रोडक्ट भी डाल देता हूँ और मैं चार्ट के टाइप को चेंज कर देता हूँ, मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ, कर दिया। जैसे यहाँ से पब्लिश करूंगा, क्या सेव सिलेक्ट रिप्लेस, अब यहां पे इस रिपोर्ट को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, चेंज हो। अच्छा, मुझे वापस इसको पब्लिश टू वेब करना पड़ेगा ना, यहां से फाइल में जाइए और यहां से पब्लिश टू वेब और फिर वापस एक कोड आपको मिल जाएगा, आप इसको आप यहां पे लिख दीजिए, आप ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, उसी तरह से इसमें रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, अपनी रिपोर्ट को पावर पॉइंट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऐसी रिपोर्ट या आपको पीडीएफ में कर सकते हैं या फिर इसकी प्रीव्यू कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको रन करने को होना चाहिए। और ये एक्सपोर्ट यहाँ पे भी आपको है, यहाँ पे पावर बी आई टाइम टू प्रोग्राम में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेस्कटॉप वर्जन में क्या होता है कि डेस्कटॉप वर्जन में आप अपनी रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिए, फिर उस अपने पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लीजिए और फिर पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे शेयर होने के बाद वहां से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। रिपोर्ट ठीक है ठीक। अब देखिए, इसको हमने पीपीटी में भी डाउनलोड कर लिया रिपोर्ट को और ये हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। आपको भी एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने आपके अपने चैनल पे आपको एक ये दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट आ गई, हाँ जी पावर पॉइंट पे रिपोर्ट बन के आ गया।
इस पे एज ए इमेज डाल दिया है बस, उसको जेपीजी में कन्वर्ट करके एज ए इमेज इसने इस पे चिपका दिया है। जैसे आपने टैप वो चैट में लिख दिया था वैसे ही इमेज में इस पर है, दोनों में मतलब इमेज में ही आता चैट पे दिया तो वेब पेज में आ गया आपको सर, चैट में मिला तो वेब पेज पे आया, तो इस पे आप वेब पेज पे फाइल फैसिलिटी है कि आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो वेब पेज में सर, मोबाइल बंद कीजिए। सर। एक सेकंड होल्ड करेंगे सर, 1 मिनट। एक मिनट दे दीजिए मेरे को। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपकी पीडीएफ कॉपी पे जो डाउनलोड होगा जस्ट उसकी इमेज डाउनलोड होगी, ठीक है ना, लेकिन आप जो वेब पे शेयर करेंगे तो वो एज ए पीडीएफ नहीं होगा, उसमें उसमें बहुत सारी फैसिलिटी होगी, जैसे कि फिल्टर की फैसिलिटी या किसी रिपोर्ट को बड़ा करने की फैसिलिटी, दिख रहा है आपको ये? अच्छा, ये हो जाएगा वेब पेज के अंदर। हाँ ये वेब पेज ही है ना आपका, देखिए वेब हाँ पेज हाँ तो इसको आपने डबल क्लिक किया, बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है बड़ा अच्छा होने का, अच्छा इस पे क्लिक किया बड़ा हो गया। बैक टू रिपोर्ट, ऐसी फिल्टर जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, इसमें मेरा सेल्स मोड है राइट सर, तो इसमें क्या है कि रेफरेंसेस के थ्री है, मैं 3 के मतलब 21% सेल हुआ है, 18%, 19%, 21% राइट, ये आपको दिख रहा होगा एफिलेटेड है, तो मैं देखना चाहता हूँ एफिलेटेड से बाकी रीजन में क्या सेल है, तो मैंने एफिलेटेड पे क्लिक कर दिया तो पूरी रिपोर्ट आप देखिए एफिलेटेड के अकॉर्डिंग आ गई है कि भाई एफिलेटेड में सेल्स पर्सन वाइज कितनी, कस्टमर वाइज कितनी सेल्स है, किस किस सिटी में है, और जिस सिटी दिख रहा होगा प्रोडक्ट वाइज सिटी, डीवीडी लखनऊ में डीवीडी इतना है, चंडीगढ़ में इतना है डीवीडी, ऐसे हर एक डीवीडी पॉइंट पॉइंट का देखिए इसने हर सिटी का दे रखा है, किस सिटी में कितना सेल हुआ है, जी ठीक है, मैं इसको वापस क्लिक करूंगा तो राइट। नॉर्मल हो जाएगा, मैप को जूम करना है तो मैं मैप को भी जूम कर सकता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा आखिर कहाँ कहाँ सेल है, रायपुर में सेल है, यहाँ यहाँ उड़ीसा में सेल है हमारा, ठीक है, हाँ जी, दिख गया, तो ये आपकी मैप की फैसिलिटी होती है। तो इन शॉर्ट आपने समझा कि आपने एक टेबल लिया, एक डेटा लिया, डेटा पे आपने डेस्कटॉप की मदद से आपने एक एनालिसिस को तैयार किया, फिर उसको आपने पब्लिश कर दिया माइक्रोसॉफ्ट की आई माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की अपनी जो आपका जो दिया हुआ है क्लाउड उसके ऊपर, पब्लिश होने के साथ शेयर भी हो गया, तो जो फाइल है वो फाइल भी आप भेज सकते हैं, इस पर भेजना चाहे, उसके बाद रिपोर्ट जब पब्लिश हो गई आपकी, तो आप अपने आईडी फिर उसको लॉगिन करके देखा, उसको आप शेयर कर सकते हो भाई मेरे मेरे ईमेल आईडी को, मेरी इस रिपोर्ट्स को सम पर्टिकुलर पर्सन्स ही देख पाए, तो आपने पे ऑप्शन किया, बट शेयर करने के लिए आपके पास होना चाहिए प्रीमियम आईडी, आप फ्री नहीं है क्योंकि मेरा तो फ्री वर्जन है, लेकिन प्रीमियम होना चाहिए, कंपनी मिलेगा आपको, उसके बाद आप इस रिपोर्ट को अगर मान लीजिए कि पब्लिकली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे पर्सन को देखा जाए जिन्होंने रिपोर्ट को अभी तक उनके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी नहीं है और वो माइक्रोसॉफ्ट के आर्मी जाता आउट ऑफ कस्टमर है, तो आप इसको फाइल में जाके पब्लिश टू वेब कर दें, ये पब्लिश टू पावर पॉइंट, पब्लिश टू पीडीएफ, इस तरह से आप इसमें कर सकते हो, या फिर पब्लिश या फिर डाउनलोड द रिपोर्ट्स इन द प्रीव्यू, या आपको प्रीव्यू में इसको कॉपी कर सकते हैं आप, व्यू के अंदर भी वो फैसिलिटी नहीं होगी बड़ा करने की, सिर्फ देखने की होगी एज ए इमेज, राइट सर। नहीं प्रीव्यू फिर से मैं डाउनलोड कर लिया, देखिए देखिए प्रीव्यू को भी ओपन करने के लिए आपको पावर बीआई होना चाहिए डेस्कटॉप वर्जन, जी उस पे खुल जाएगा, तो प्रीव्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे कि वो चेंजिंग वगैरह नहीं कर जाएगा, मान लीजिए मैंने पावर बीआई की फाइल भेज दिया, तो अभी जैसे देखा आपने मैंने अभी भी क्या कर लिया, आपने लाइन चार्ट कर लिया, तो ऐसे सब लाइन चार्ट वगैरह चार्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कि प्रीव्यू जब वो खोलेगा तो प्रीव्यू में ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, वो सिर्फ उसी चीज को देखेगा, हालांकि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो बैक टू टॉपिक, आपको मैं ये चीजें बता रहा था इस चीज को समझने के लिए कि आखिर
इसे समझाने के लिए कि आखिर पावर बीआई का इस्तेमाल होता क्यों है, राइट, क्या उसकी फैसिलिटी है वगैरह वगैरह, इसे समझाने के लिए हमने आपको भी बताया। अब बात करते हैं, आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर है? हाँ जी ओके, तो मैं बता दूं कि पावर बीआई की सॉफ्टवेयर को आप पावर बीआई की सर्विस से डाउनलोड कर सकते हैं। पावर बीआई डाउनलोड करेंगे तो पावर बीआई की साइट से फ्री है, डेस्कटॉप पर कोई पैसा नहीं, आप कर सकते हैं। फ्री में आप साइन अप भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपना साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने से बेनिफिट ये रहेगा, इसमें आपकी जो एक क्लाउड पे एक आईडी बन जाएगी जहां पे रिपोर्ट को इजीली पब्लिश वगैरह और बाकी चीजें कर सकते हैं। लेकिन साइन अप करते ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो ये होगा आईडी जो आप डालेंगे वो आईडी डालेंगे किसमें, अपना जो ये आईडी होगा कंपनी की जो आईडी होगी उस कंपनी की आईडी को ही डालेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने गौर किया होगा कि पावर बीआई का पूरी फंक्शन आपके एक्सेल की तीन टॉपिक से मिलता है। पहला आपको पिवट, पावर पिवट, दूसरा आपका पावर स्क्रिप्टिंग, पावर क्यूरी, इसको हम पावर क्यूरी कहते हैं। तो हम अगली कुछ क्लासेस में हम पिवट पावर क्यूरी के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। इसलिए आपने मेरा कोर्स देखा होगा, मैंने कोर्स में मेंशन कर रखा है। अब मुझे पता है कि आपको एक्सेल के बारे में पता है, पिवट के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता नहीं कि आपको कितना पता है। ठीक है, तो मैंने कोर्स में एक्सेल पार्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसलिए कि आपको हम पिवट टेबल के ऑप्शन बताएंगे, पावर पिवट टेबल बताएंगे, उसके बाद आपको पिवट टेबल फंक्शन, पावर क्यूरी वगैरह, स्किल क्यूरी वगैरह हम इसमें बताएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि हालांकि इस चीज को मैं आपको इसमें पावर बीआई में भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या ये पावर बीआई आपके लिए नया है, तो हर चीज आपको नया होगा, हर चीज पे आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ कैसे हुआ, उसकी डिटेल्स बारे की समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप एक्सेल से फैमिलियर है, जैसा कि पता है कि पिवट वगैरह आपको पहले से थोड़ा बहुत आता होगा या बहुत ही आता होगा, तो जब मैं इस सारी चीज को जो एक्सेल में बताऊंगा फिर उसको मैं पावर बीआई में यूज करूंगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पावर बीआई टैबलू का स्ट्रक्चर ही पिवट टेबल पे है। जैसे पिवट टेबल फील्ड्स को उठा के रखते हैं और डेटा हमारा समरी क्रिएट होता है, उसी तरीके से पावर बीआई में भी फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और आपका क्रिएट चीज, जो हमारे पास जो पावर क्यूरी है कैलकुलेशन के लिए कि भाई पिवट या डेटा की बैकग्राउंड में क्यूरी करते हैं, तो आपकी सेम क्यूरी आपकी पावर 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 बीआई में भी होता है। पावर क्यूरी यहाँ लिख रहा है, क्यूरी एडिटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मेरा कोर्स में है। हाँ जी, तो ये क्यूरी एडिटर वही है जो पावर क्यूरी है। तो अगली जो हमारी जो एक हफ्ते की क्लासेस चलेगी, आई थिंक 6 या 7 घंटे का टोटल टॉपिक है, पिवट पावर पिवट की चीजों पे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया इसमें पावर क्यूरी के बारे में जो बताया या फिर पावर बीआई के बारे में एक डैश बताया, ताकि आपको पता चले कि डैशबोर्ड पावर बीआई के साथ हम करेंगे क्या और किस तरह के फीचर्स होंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अब जैसे कि हम क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर हम आपको कराते हैं तो पहले उसकी कुछ रिकॉर्डेड आपको दे देते हैं, टॉपिक हम कराते हैं तो उसकी प्री रिकॉर्डेड जो टॉपिक होती है वो टॉपिक हम आपको देते हैं। जयदीप जी कैसे हैं? हाँ सर, ठीक है सर। हेलो, हाँ क्या बात है? हाँ सर, अभी एकदम से देखा आप ऑनलाइन हो तो मैंने ज्वाइन कर लिया। चलो कोई बात नहीं। जयदीप जी है, पावर बीआई की वीकेंड क्लासेस में है मनोज जी। ओके, हेलो, हाय मनोज जी, कैसे हो? गुड सर, गुड। हाँ, तो मनोज जुनेजा जी एंड जयदीप जी, ये मेरी आईडी जयदीप जी आपकी ना? हाँ यही है। तो मैंने आपको अभी 4 पिवट टेबल की रिकॉर्डिंग भेजी है,
तो मैं चाहता हूं कि पुलिस इस रिकॉर्डिंग को देख ले और आपके जो एक्सेल में, अब आपको एक नया मौका मिल रहा है एक्सेल में पिवट टेबल सीखने का, तो आप जो है अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। अगर दिक्कत होती है कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है तो नोट कर लीजिएगा और पिवट टेबल को अच्छे से सीख लीजिए। पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल, पावर क्यूरी एंड एसक्यूएल क्यूरी इन द पावर क्यूरी, ठीक है? चार टॉपिक हम एक्सेल के ठीक बारे में करेंगे, उसके बाद हम पावर बीआई पे वापस लौटेंगे, ठीक है ठीक है? ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैंने भेजा, उसको देख लीजिए, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम।